हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सितंबर अक्टूबर में आप कौन कौन से प्लांट की कटिंग लगा सकते हो, या फिर जल्दी से जिन प्लांट की कटिंग ग्रो होती है उन सभी प्लांट्स के नेम आपके साथ शेयर करूंगी, प्राइस शेयर करूंगी और केयर टिप्स भी शेयर करूंगी। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन के साथ। फर्स्ट प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हो, हाइब्रिड क्लांचू। कलर इसके बहुत सारे मिलते हैं और ये प्लांट आपको नर्सरी में 150 का मिलता है। एक एक पत्ती से ग्रो होने वाला प्लांट है, एक एक स्टेम से ग्रो होने वाला प्लांट है। सर्दी में पूरा दिन की धूप में रखिए, गर्मी में सिर्फ एक दो घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए। पानी कम डालना होता है क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं काफ़ी थिक रहती हैं, ज़्यादा पानी डालने की वजह से ये प्लांट ख़राब हो जाता है, इसमें फंगस लग जाती है। इसके फूल जो होते हैं गुच्छों में आते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी भी होती हैं, कलर भी बहुत सारे आपको नर्सरी में अब नेक्स्ट मंथ से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मिट्टी इसकी वेल ड्रेन्ड रहनी चाहिए, जिसमें पानी ना रुके। रेत वाली मिट्टी इसकी तैयार करिए, रेत वाली मिट्टी में ये प्लांट बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करता है। छोटे से छोटे पॉट में, बड़े पॉट में बहुत इजी ग्रो कर जाता है, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कॉर्नेशन। कॉर्नेशन काफ़ी हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, पूरे साल ग्रो कर जाता है। सर्दी में पूरा दिन की धूप में रखिए, गर्मियों में दो घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए। बात करें प्राइस की तो 60 रुपीज़ का आपको नर्सरी में मिल जाता है। कटिंग से इजी तैयार होता है, बीजों से इजी तैयार होता है, कलर बहुत सारे मिलते हैं। कुंडे टाइप के पॉट में लगाइए, हैंगिंग पॉट में लगाइए, छोटे से छोटे पॉट में लगा कर आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हो। 15 से 20 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप इनमें अब विंटर में डाल सकते हो, तो आपके प्लांट पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा जिरेनियम। जिरेनियम प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, 60 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 150 तक ये प्लांट आपको मिलते हैं। इनके फूलों के कलर भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं और परमानेंट प्लांट है। सर्दियों में पूरा दिन की धूप में रखिए, गर्मी में सिर्फ एक दो घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए। गर्मी में इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, तो पत्तियां अगर झड़ गई हैं तो अभी आप अपने प्लांट को दोबारा से कटिंग से ग्रो कर सकते हो। कटिंग से भी ग्रो होता है, सीड से भी ग्रो होता है, ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, परमानेंट प्लांट होता है। मिट्टी को बस थोड़ा वेल ड्रेन ही आप रखिए और 15 से 20 दिन में एक बार सरसों खली जो होती है उसको पानी में भिगाइए और इस प्लांट की जड़ों में थोड़ा थोड़ा आप डालते रहिए। इस प्लांट की क्या, सर्दियों के फूलों वाले जितने प्लांट भी होते हैं आप उन सभी में लिक्विड फर्टिलाइज़र ये वाला डाल सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है हमारा डायंथस। डायंथस आपको मिनिमम 40 रुपीज़ के नर्सरी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास पिछले साल के ये प्लांट पड़े हुए हैं तो आप अभी इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हो, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। ये डायंथस जो प्लांट होता है परमानेंट प्लांट होता है और काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। कटिंग से कैसे तैयार करना है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, सॉफ्ट कटिंग लेनी है और बिल्कुल इजी आपको मिट्टी में, वर्मी कंपोस्ट में इस तरीके से तैयार करके आप लगा सकते हो, बहुत जल्दी ग्रो होते जाती है ये। और सबसे अच्छी बात, इन्हीं प्लांट के ऊपर इनका बीज बनता है, आप इन्हें बीजों से भी ग्रो कर सकते हो। पूरा दिन की धूप में रखिए, हैंगिंग पॉट में लगाइए, बहुत जल्दी से ये प्लांट ख़राब नहीं होता है। फूलों के कलर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा अजेलिया। अजेलिया के फूल जो होते हैं गुलाब की तरह होते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है। ये प्लांट आपको नर्सरी में 300 के समथिंग मिलता है। इसकी केयर थोड़ी टफ रहती है, इसलिए ये जल्दी से प्लांट ख़राब भी हो जाता है, लेकिन अगर आपने एक बार बचा लिया तो पूरे साल आपके पास रहेगा, बस गर्मी में फूल नहीं देगा, सर्दियों में इसका फ्लावरिंग टाइम रहता है। इसी प्लांट की कटिंग बहुत ईजी तैयार होती है, सीड से भी ये तैयार हो जाता है, आप इसे हैंगिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हो और नॉर्मल पॉट में 7 से 8 इंच के में भी ग्रो कर सकते हो। गर्मियों में आपको इसे शेड में रखना होता है, सर्दियों में आप इसे पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। फूलों के कलर भी इसके अलग अलग आपको नर्सरी में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा देसी क्लांचू। देसी क्लांचू जो होता है ये इतना हार्डी प्लांट होता है, सिर्फ एक कटिंग अगर आपको कहीं से मिल गई तो सालों साल आपके पास ये प्लांट रहता है। इसकी एक एक पत्ती से भी इसकी न्यू प्लांट इसके निकल जाते हैं। इसमें भी आपको पानी कम ही डालना होता है। अब
आने वाले टाइम में इस पर फूल आएंगे और इसके फूल जो होते हैं गुच्छों में खिलते हैं और 15 से 20 दिन तक लगातार खिले रहते हैं। एक बार खिलने के बाद जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं और बारिश के पानी से आप इस प्लांट को बचा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्रिसेंथिमम प्लांट। क्रिसेंथिमम प्लांट भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं और 60 रुपीज़ से स्टार्ट होकर ये आपको 200-300 तक मिलते हैं, क्योंकि इनकी वैरायटी अलग अलग रहती हैं, देसी, हाइब्रिड, सब तरह की। अभी आप इनकी कटिंग अगर ग्रो करोगे तो बहुत जल्दी ग्रो होगी और आपके पास सिर्फ 2 महीने में ही फूल देने के लिए ये प्लांट तैयार हो जाएंगे। कटिंग से ये बहुत जल्दी ग्रो रहता है। पूरा दिन की धूप में रखिए, परमानेंट प्लांट है, गर्मी में भी आपके पास रहेगा और सर्दी में भी आपके पास रहेगा। गर्मियों में आप इसे सिर्फ 1-2 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए और अभी जैसे नेक्स्ट मंथ से सर्दी स्टार्ट हो गई है तो आप इसे पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान रहता है, आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हो और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। इसके एक प्लांट से ही आप बहुत सारे तैयार कर सकते हो और अगर आप तैयार प्लांट लाना चाहते हो तो 20 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 50 रुपीज़ तक आपको बहुत सारी पौध नर्सरी में अभी मिल जाएंगी, क्योंकि ये प्लांट नर्सरी में आ गए हैं। अभी इनकी पौध लगा लोगे तो दीपावली तक ये आपको फूल देने के लिए भी प्लांट तैयार हो जाते हैं। जिसके जो फूल सूख जाते हैं आप उनसे भी इसके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो। इसे घना करने के लिए बस आपको ऊपर के टिप से इसको कटिंग करती रहनी है। कटिंग कर दोगे तो प्लांट आपका घना हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस प्लांट में फंगस बहुत जल्दी से लगती है तो आप इसमें पानी चेक करके डालिए और फंजीसाइड पाउडर का भी टाइम टाइम पर यूज़ करते रहिए ताकि आपका प्लांट ये ख़राब ना हो। वैसे इसकी जो देसी वैरायटी होती है वो नहीं ख़राब होती है जल्दी से, लेकिन जो हाइब्रिड होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिनके फूलों के साइज़ बड़े बड़े रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जरबेरा। जरबेरा प्लांट जो होता है इस टाइम पर आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो और अगर आपका प्लांट काफ़ी पुराना और घना हो गया है तो इसी के नीचे से जो बेबी प्लांट निकलते हैं उन्हें हम कटिंग से भी तैयार कर लेते हैं और इसके न्यू प्लांट भी आपको नर्सरी में 350-400 तक मिलते हैं। इसके फूलों के कलर बहुत सारे होते हैं, ये एक परमानेंट प्लांट है, गर्मी में भी कभी ख़राब नहीं होता है। मेरे पास इसे 3 से 4 साल हो गए प्लांट को, ऐसे के ऐसे ही ये फूल देता रहता है। बस आपको खाद और मिट्टी का ध्यान रखना होता है। खाद मिट्टी अच्छी मिलती रहेगी तो प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करता रहेगा। सर्दियों में पूरा दिन की धूप में रखती हूँ और गर्मी में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर मैं इसको रख देती हूँ। पोट का कोई इशू नहीं है, मैंने इसके लिए 8 इंच के पोट लिए हुए हैं और मिट्टी के पोट लिए हुए हैं, क्योंकि मिट्टी के पोट में ये प्लांट ईजी से ग्रो कर जाते हैं और इसके फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और आपको कलर भी इसके बहुत सारे नर्सरी में देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है हमारा बिगोनिया। बिगोनिया भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, कटिंग से, बीजों से बहुत ईजी तैयार हो जाता है और नेक्स्ट मंथ में आपको इसकी नर्सरी में पौध बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको 40-40 रुपीज़ की मिल जाएंगी। और अगर आप नर्सरी से नहीं लाना चाहते हो तो पुराने प्लांट से कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो और बीजों से भी इस प्लांट को आप अभी ग्रो कर सकते हो। फूलों के कलर इसके बहुत सारे रहते हैं और इसमें आपको पानी का ध्यान रखना होता है। ज़्यादा पानी डालने की वजह से इसके स्टेम्स जो होते हैं काफ़ी थिक रहते हैं, वो गल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हिबिस्कस। हिबिस्कस भी एक परमानेंट प्लांट होता है जो कि सर्दी हो गर्मी हो हमेशा आपके गार्डन में रहेगा और इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती हैं। देसी गुड़हल भी मिलते हैं, हाइब्रिड गुड़हल भी मिलते हैं। देसी गुड़हल आपको नॉर्मली 40-50 रुपीज़ के मिल जाएंगे, लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल रहते हैं ये आपको 150 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 300-400 तक नर्सरी में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये प्लांट आप अपने घर पर कटिंग से अभी बहुत इजी तैयार कर सकते हो। इनके पुराने फूलों को आप पिंच करते रहिए ताकि आपके प्लांट की एनर्जी वेस्ट ना हो और प्रूनिंग करते रहिए ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी निकल सके। नेक्स्ट हमारा कोलियस। कोलियस जो प्लांट होते हैं ये अपने रंग बिरंगी पत्तियों की वजह से ही ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं। कोलियस की आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती हैं और ये एक परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन इस टाइम पर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकलती है और नर्सरी में भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओनली 40-40 रुपीज़ के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने घर पर इनको कटिंग से इजी तैयार कर सकते हो। कोलियस को आधा 1 घंटे की धूप अच्छी मिल सके ऐसी जगह पर रखिए
और कम से कम 7 से 8 इंच के पॉट में लगाइए। इनको घना करने के लिए आप इनकी पिंच कर सकते हो। मैंने इसके बहुत सारे प्लांट कटिंग से तैयार किए हुए हैं, इस छोटे पॉट में सारे कटिंग के ही तैयार किए हुए हैं। आप देख सकते हो 15 से 20 दिन में एक बार इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर से डाला करें, ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके और उसको नाइट्रोजन की मात्रा भी मिल सके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।